हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी। ये रबड़ी खाने में बहुत टेस्टी होती है और इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। और इस रबड़ी की स्पेशल बात यह है कि इसे हम बिना ब्रेड के बनाएंगे और इसे आप केक में, मिठाई में और आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करें। तो बिना मेहनत किए और गैस को बचाकर अगर आप रबड़ी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में लेंगे 1 कप मिल्क पाउडर, और ये होममेड मिल्क पाउडर है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो 1 कप हम यहाँ पे मिल्क पाउडर लेंगे और अभी तक मैंने गैस को ऑन नहीं किया है। इसमें मिलाएंगे हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या अरारोट और 1 टेबलस्पून अरारोट मिलाने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून जितनी फ्रेश मलाई। तो यहाँ पर हमें फ्रेश मलाई का यूज़ करना है। और इसी के साथ हम इसमें 3/4 कप जितना मिल्क ऐड करेंगे। अगर रबड़ी आपको ज़्यादा थिक नहीं रखनी है तो आप मिल्क और भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना पाउडर शुगर डालेंगे। मिल्क पाउडर पहले से ही स्वीट होता है तो इसमें हमें पाउडर शुगर कम ही ऐड करनी है। तो सभी इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्प्स ना रहे। और अभी तक हमने गैस को ऑन नहीं किया है। और ये देखिए, हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। और गैस फ्लेम ऑन करने के बाद इसे हमें लो फ्लेम पर ही रखना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे लगातार चलाएंगे। और हमने यहाँ पे आज घर का बना हुआ मिल्क पाउडर ऐड किया है तो ये रबड़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और 4 से 5 मिनट ही लगते हैं इस रबड़ी को बनने में। और अगर आपके पास ये होममेड मिल्क पाउडर नहीं है तो आप किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और 2 से 3 मिनट में ही रबड़ी काफ़ी थिक हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे ये केसर मिला हुआ पानी। तो केसर को मैंने पानी में भिगो कर रखा था और ये पानी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखिए कितना अच्छा कलर हो गया है और इस रबड़ी में केसर की बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप चाहें तो यहाँ पर आप केसर एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं और येलो फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं। और केसर का पानी मिलाने के बाद हम इसे 2 मिनट तक लगातार चलाएंगे। और इसी के साथ मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप रोज एसेंस की भी डाल रही हूँ। और रोज एसेंस मिलाने के बाद ये देखिए, मुझे रबड़ी की ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए तो मैं अब फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। अगर आपको रबड़ी ज़्यादा थिक करनी है तो आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए और चला सकते हैं, लेकिन फ्लेम को हमें लो ही रखना है। जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा थिक हो सकती है। और ये देखिए रबड़ी की कंसिस्टेंसी। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी इंस्टेंट रबड़ी बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यही रबड़ी मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में यूज़ करने वाली हूँ। तो ये इंस्टेंट रबड़ी यूज़ करके हम रसमलाई केक बनाएंगे। तो नेक्स्ट रेसिपी देखने के लिए आप वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें और पास में बेल बटन ज़रूर से प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।